कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन सुकून देने वाली खबर यह है कि 80% मरीज ठीक भी हो रहे हैं और मरीजों की संख्या जिस दर से बढ़ रही थी उस दर में भी गिरावट आई है। बताएंगे आपको, लेकिन एक नजर कोरोना बुलेटिन पर। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,45,000 के पार, संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख के करीब, 5,47,000 मरीज हुए ठीक। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित, मरने वालों की संख्या 32,000 के पार, 6,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13,835, 452 लोगों की मौत, अब तक 1,767 मरीज हुए ठीक। भारत में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में, 3,205 कोरोना पॉजिटिव, 194 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पॉजिटिव केस की संख्या 1,640, राजधानी में 38 मौत, अभी तक 51 मरीज हुए ठीक। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 221, 82 मरीज हुए ठीक, प्रदेश में 3 की मौत, 9 में कोरोना केस सबसे ज्यादा केस। भारतीय सेना में अब तक 8 लोग कोरोना पॉजिटिव, सभी जवानों की हालत स्थिर, लद्दाख में संक्रमित एक जवान पूरी तरह ठीक होकर ड्यूटी पर लौटा। देश में कोरोना के मामलों में 40% गिरावट, अब तक 6.2 दिन में केस हो रहे हैं दोगुने, अब तक कोरोना के 80% मरीज हुए ठीक। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले दोगुने होने की दर राष्ट्रीय स्तर से भी कम, इन राज्यों में केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, दिल्ली, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम और इसके अलावा त्रिपुरा भी शामिल है। राज्यों को दिए जा रहे 5 लाख टेस्ट किट, 10 मई तक 10 लाख टेस्ट किट तैयार करने का लक्ष्य। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत, रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, अब 4% से घटकर 3.75% हुआ रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। मोदी संकट दूर करने के लिए आरबीआई का बड़ा निवेश, आरबीआई ने TLTRO के तहत 50,000 करोड़ रुपए मदद का किया ऐलान, नाबार्ड, सिडबी और NHB को भी 50,000 करोड़ देगा आरबीआई। कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, भारत की जीडीपी 1.9% रहने का अनुमान, IMF के मुताबिक G20 देशों में भारत की स्थिति रहेगी बेहतर। फरीदाबाद में प्रशासन ने शुरू किया जन सहायक ऐप, ऐप की मदद से अब लोग मंगवा सकेंगे खाना और राशन। लोगों को ऐप पर खुद को करवाना होगा रजिस्टर, जन सहायक ऐप की मदद से मेडिकल जांच और मूवमेंट पास के लिए भी कर सकेंगे अप्लाई। लॉकडाउन के दौरान हिसार में लोगों को खरीदनी पड़ रही है महंगी सब्जियां, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा उचित दाम, 2 से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही सब्जियां। कीमत पर सब्जियों की तुड़ाई और ढुलाई की लागत खर्च निकालना भी किसानों के लिए मुश्किल, फसलों पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हुए किसान। लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं लोग, रेवाड़ी में एक महिला 1,000 लोगों तक पहुंचा रही है 2 वक्त का खाना। कैंप चलाने वाली महिला अपने परिवार के सहयोग से कर रही जरूरतमंद लोगों की मदद, लोगों से असहाय लोगों की मदद करने की भी कर रही है अपील। हरियाणा में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद से पहले ही आढ़ती सरकार के खिलाफ लामबंद, रादौर में आज आढ़ती एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक। बैठक में आढ़तियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने मांगों पर उचित कदम नहीं उठाया तो 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद के कार्य को नहीं करेंगे शुरू। चरखी दादरी में भांडवा गांव के किसानों ने किया सरसों खरीद का विरोध, गांव से 16 किलोमीटर दूर खरीद केंद्र होने पर जताई नाराजगी। गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाढ़ड़ा की अनाज मंडी में सरसों की खरीद केंद्र पर बिक्री की उठाई मांग, प्रशासन ने किसानों को दिया आश्वासन।
रोहतक में बीजेपी ने शहर में सफाई करने वाले नगर निगम कर्मचारियों को किया सम्मानित। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने सफाई कर्मचारियों को पटका पहनाकर बढ़ाया हौसला।